शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी का साथ। आज का मुरली में बाबा ने कौन सी बात कही है? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरा पॉइंट भी है और क्वेश्चन भी है दीदी जी के लिए कि आज बाबा ने कहा ना कि पांडवों को चेकिंग करना है मोह का। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम प्रवृत्ति मार्ग में ऑब्वियसली हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम इनकम लाए घर में, तो बैलेंस कैसे हम चेक करें कि इसमें हमको मोह तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी है और नेसेसिटी भी है, अपेक्षा भी है और जरूरी भी है। तो आपका कोई कुछ शेयर करेंगे इसके ऊपर प्लीज। थैंक यू। जैसे बाबा कहते हैं कि पेट को कितना चाहिए, पेट को आधी रोटी, एक रोटी, पाव रोटी, पाव किलो का या पाव जो रोटी है उतना बाबा चाहते हैं। लेकिन समय के हिसाब से या जो भी दुनिया के हिसाब से अभी अगर हमें चलना है उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके लिए समय देना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है कि उस बात के लिए या उसके लिए अगर जितना हम समय देते हैं उतना हम बाबा के लिए दे नहीं सकते हैं। बाबा चाहता है कि भले वो करो, एक आज बाबा ने कहा ना कि कर्म करते समय भी हमेशा बुद्धि में रहे कि हम वाह मेरा भाग्य। ये जो बाबा की मुरलियों की पॉइंट से या बाबा है हमेशा अगर बुद्धि में रहेगा तो भले कर्म करो या आपका जो भी कार्य है वो करते चलो, कि बुद्धि में ये रहे कि जो कुछ है वो बाबा का है, ट्रस्टी होकर के मुझे संभालना है। और जो भी है घर के जो भी बच्चे हैं या पूरा घर का परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार संभालने वाला बाबा है, बस मुझे निमित्त बना करके हमें रखा है। तो बाबा से राय लेते चलो और समय के हिसाब से भले वो करना है लेकिन उस समय के हिसाब से हमें बाबा के लिए भी या खुद के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि तो आज बाबा ने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचते जाएंगे कि अगर हमें अपने लिए या कमाने के लिए हम समय दे रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी बुद्धि में रहे कि बाबा के लिए या खुद के पुरुषार्थ के लिए भी हमें समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है। भले उसको भी दो लेकिन इसके लिए भी पहले खास एक नंबर हमारा ना समय पहला होना चाहिए खुद के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए। तो कैसे भी करके बाबा हमें किसी भी बात में प्रॉब्लम नहीं देगा। कभी कभी होता है कि पैसे के हिसाब से हम सोचते हैं कि पता नहीं हम ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, लेकिन बाबा बैठा है, बाबा संभाल रहा है, बाबा के ऊपर पूरा हमारा निश्चय। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। दीदी जी, मैंने अभी एक मेरा पॉइंट भी और एक क्वेश्चन भी है। पॉइंट में बाबा ने बोला है नष्ट मोह बनो और भी ओम शांति। जिनको क्वेश्चन पूछना है वही अनम्यूट करे, सभी अनम्यूट नहीं करे। अभी जी आप बोलिए, निरंजन भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जी मैं 10 ईयर से बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, ज्ञान में हूँ मैं और मैं घर में अकेला ही ज्ञान में हूँ। तो बाबा ने भी बोला नष्ट मोह जो अभी समय के प्रति जितना भी हो सके सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा ही अभी हमारा मन में होना चाहिए। और मैंने योग में भी वैसी स्थिति बनाई है, लेकिन दीदी मैं घर में पढ़ा हूँ, बड़ा बेटा हूँ मैं और मेरा छोटा भाई भी है, वो भी पढ़ाई करता है और मैं भी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हूँ। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ साथ साथ,
और मुझे यूपीएससी ऑपरेशन करके मुझे एक ऑफिसर बनना था, तो मैं भी उसकी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बार बार कभी हो रहा है लौकिक में पढ़ाई करते करते बहुत मेंटल एनर्जी चली जाती है और बहुत फिजिकल एनर्जी भी जाती है। जब हम योग में बैठते तो कभी कभी लगता नहीं है, योग लगता है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बहुत दोनों चेंजेस आ रहे हैं, मतलब दोनों लाइफ, लौकिक और अलौकिक दोनों लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। तो मैं यही चाह रहा था कि मैं एक्चुअली इधर ही एक तो लौकिक में ही सारी चीजें कर लूँ या फिर अलौकिक में भी जो स्पिरिचुअल इसमें भी कंटिन्यूटी करे। थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ चाहिए सिस्टर मुझे। जी अश्विन दीदी जी, आप ऑनलाइन हो ना, म्यूट है आप। ओम शांति। भाई जी, जो आपने कहा कि 10 साल से ज्ञान में है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाबा का बनने के बाद पहले तो ये निश्चय हो, जैसे मैंने कहा कि पहले बाबा के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि जो भी चल रहा है उसमें बाबा का पूरा मुझे साथ चाहिए, और बाबा को साथी बनाकर अगर हम करेंगे तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आज बाबा ने जो पहली बात कही कि मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के चलो, या हमारी एक स्थिति हो, या बाकी ये जो भी बातें है कि कर्म करते समय उन शक्तियों को यूज करो। तो ज्ञान को जब हम यूज करते हैं, नॉलेजफुल बनकर के हम ज्ञान को यूज करते हैं, तो हर बात हमें सहज लगेंगी, क्योंकि बाबा रोज की मुरलियों में हमें सारी बातों को क्लियर करता है कि आज बाबा ने कभी भी अगर आप बाबा के सामने कोई बात को लेकर के बैठो या बाबा को बताओ उस बात को, या किसी संकल्प को आप बताओ, तो दूसरे दिन उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन बाबा को अगर बताएंगे नहीं, या बाबा के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, या उसी परिस्थिति में अगर हम उलझ जाते हैं तो फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझो, पेपर समझो, और उस पेपर को पास करते आगे बढ़ते चलो। क्योंकि हमने देखा कई उदाहरण हम सुनते हैं या देखते हैं, कई बातें कितनी माताओं के आगे, भाइयों के आगे आती है, लेकिन उस समय अगर बाबा को हम साथी बना कर लेते हैं, या ये समझते कि जो भी है वो हमारा पेपर है, हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को चुकतु करके हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पेपर होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। पेपर अगर नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। आप अभी एग्जाम दे रहे हैं या एजुकेशन में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपको पता है अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक पेपर है, और उस पेपर में पास होने के लिए पहले मुझे नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, या नॉलेज को हमें उस परिस्थिति में यूज करना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और लौकिक और अलौकिक की बात कहो तो मैं यही कहूंगी कि बाबा हमें मिला है, भगवान अगर मेरा साथी है तो दुनिया की कोई भी बात हमें बड़ी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में अभी अगर जाओगे तो वहां पर तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, उस समय आपके साथ कोई नहीं होगा। अभी स्वयं भगवान या इतना बड़ा सर्वशक्तिमान साथ है, तो उसका यूज करके हमें उन परिस्थितियों को आगे लेकर के जाना है, उस परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो आपके मन में कभी ये संकल्प नहीं आए कि ये परिस्थितियां है इससे पता नहीं ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन बढ़ पाएंगे। बस बाबा पर निश्चय रखो, हर समय बाबा को साथ लेकर के चलो, तो कोई भी बात आपको मुश्किल नहीं लगे। और लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना है, लेकिन हर समय बाबा को साथी बनाकर चलो, तो हर समय हमें सभी बाबा के परिवार का, बाबा का हमेशा साथ मिलेगा, और किसी भी बात में बाकी ऐसे नहीं लगेगा कि पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। किसी को कुछ क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं, या तो दीदी आप थोड़ा सा होमवर्क भी बताएंगे आज के पूरा, कल के लिए हम क्या करने करेंगे, जैसे आज के मुरली के आधार पर आ सकते हैं। आज की बातों से तो पहली बात जो बाबा ने कही कि हम सोमा को हमेशा याद रखें, बाबा ने यही बात को कहा कि सुबह सुबह अमृत वेले अगर
उस स्वमान को याद करेंगे तो पूरा दिन स्वमान के आधार से खुद को हम चेक करते जाए कि जो भी बाबा ने सारी शक्तियों, पहले तो शक्तियों की लिस्ट बनाए कि कौन सी शक्तियां है, उन शक्तियों के ऊपर हमने कितना अभ्यास किया हुआ है, कितने परसेंटेज में हमारे अंदर है, और उन शक्तियों को पूरे दिन में हम कर्म में कितना लाते हैं। तो बाबा का आज का जो भी यही स्वमान था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कल दिन भर हम सभी इसको याद करेंगे, इसके ऊपर अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उन शक्तियों को मैं कर्म में हर समय लाऊ, और लाते समय कर्म में लाते समय यही बुद्धि में रखे कि जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को यूज करके हमें उस कर्म में सफलता प्राप्त करनी है। और दूसरा, हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो मम्मा का स्लोगन, हमारा मम्मा का मास अभी चालू हो गया है, तो पूरा मास हम बुद्धि में इसी स्लोगन को रखेंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। किसकी कब अंतिम घड़ी आए पता नहीं, यानी कि अभी विनाश बहुत समय का बाकी है, बहुत समय है आगे, यानी सोचो, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ कर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते जा। तो आज का कल का अभ्यास है मास्टर सर्वशक्तिवान, इस स्वमान को याद रखेंगे, अमृत वेले से ही इस स्वमान के ऊपर अभ्यास शुरू करेंगे और इसी स्लोगन को याद रखेंगे मम्मा के, हर घड़ी अंतिम घड़ी, हमारी अवस्था एक रस अवस्था रहे। शांति, ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? जी जी। आज बाबा ने बताया कि अगर जैसे हलचल में नहीं रहने के लिए कर्म और संकल्प जिसका समान रहे तो वो हलचल में नहीं रहता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि कर्म और संकल्प एक समान रहे, इसको अचीव करने के लिए कुछ अगर आप विधि बताएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें पता होता है कि हाँ ये सही है, ये करना है, लेकिन कर कुछ हम और देते हैं। वही बाबा ने कहा ना कि हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ होते हैं, हम सोचते बहुत अच्छा है कि हमें ये करना है, लेकिन कर्म में जब लाते हैं या कर्म में जब हम आते हैं तो उन संकल्पों को भूल जाते हैं। इसलिए संकल्पों को पक्का करके रखो, क्योंकि उसी संकल्प के आधार से हमारे कर्म बनते हैं। जितना हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतने हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो कर्म हमारे अगर श्रेष्ठ होने हैं उनके लिए संकल्पों के ऊपर हमारा बहुत अभ्यास होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि अभी संकल्पों के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन हो कि लास्ट समय इन संकल्पों की सारा खेल होने वाला है। कर्म तो बहुत पीछे जाएगा लेकिन संकल्पों से ही ना बाबा से टचिंग होंगी, या संकल्प हमारे जितने पॉजिटिव होंगे या शक्तिशाली होंगे उतना हम बाबा से टचिंग लेकर के अपने खुद को संपन्न अवस्था तक। तो बाबा ने इसी बात को पक्का कराया कि संकल्प और कर्म हमारे दोनों समान हो, जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ है उतना हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बनता जाए। और इसको ही फिर हम बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान माना क्या कि हर कर्म में उस शक्ति को यूज करके फिर हमें उस कर्म को जैसे सफलता को प्राप्त करना है, संकल्पों को ढीला नहीं करना है। कभी होता है कि लेकिन उसका अभ्यास अगर करते चले तो फिर वो बातें सहज होती जाएंगी, लेकिन संकल्पों को जितना हो सके उतना हमें पॉजिटिव या श्रेष्ठ बनाते जाना है। जी जी, थैंक यू। एक एक क्वेश्चन और था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। अगर मतलब आपका क्या एडवाइस होगा, अगर सपोज दिनचर्या में हमारे पास वक्त है, सपोज आधा घंटा है या पौना घंटा है, तो हम ज्ञान की बातें पढ़ें या फिर वो समय योग में लगा दें? मतलब मुझे पता है कि दोनों चीजें ही करना जरूरी है, लेकिन अगर एक दिन में सीमित वक्त है तो उसको हम योग में उसको कॉन्सेंट्रेट करें या हम ज्ञान की बातें और सुने? दिन भर के कार्य में अगर हमें समय नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि योग में हम समय दे, क्योंकि एक समय सुबह के समय तो हमारी मुरली होती ही है। अगर हम सोचे तो अगर हमारी दिन भर में एक बार तो मुरली एक सुबह सुबह तो होनी चाहिए,
दिन भर में उस मुरली का चिंतन, जैसे संडे की मुरली बाबा की हुई, कि मनन चिंतन हमारा बहुत जरूरी है। जितना हमारा मनन चिंतन होता जाएगा उतना हमारे वो जैसे कर्म में वो सारी बातें आ जाएंगी। तो मनन चिंतन हमारा बहुत जरूरी है, उसी आधार से हम योग कर सकते। अगर हम कहें कि बैठे हम योग के लिए, लेकिन आधा घंटा समय है, लेकिन आधा घंटा बस बैठे बैठे हमारा समय चला गया और आधा घंटा बीत गया, तो वह उसको योग नहीं कहेंगे, बस समय को हमने बिता दिया या खत्म कर दिया। लेकिन संकल्प का दिन भर के हमारे मुरली के चिंतन अगर चलता रहे या बाबा के ज्ञान का चिंतन चलता रहे तो आधा घंटा हमारा सफल हो जाएगा। तो आधे घंटे को सफल करना है वो योग के लिए, लेकिन चिंतन भी हमारा उस समय उस आधार से चलता रहे। तो वो कोई ना कोई बात को लेकर के बैठे, किसी न किसी स्वमान को, किसी न किसी ज्ञान की पॉइंट को लेकर के बैठेंगे, वो आधा घंटा हमारा सफल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति, थैंक यू, ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से दीदी जी आपने सभी को बता दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कल के लिए सामान का भी अभ्यास हमें दे दिया है, तो अभी हम लास्ट 5 मिनट हम योगाभ्यास करते हैं, 5 से 7 मिनट। तो दीदी जी आप कमेंट्री करेंगे? आज की मुरली के आधार से आज और अभी से ही, जैसे बाबा ने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो उसी स्वमान को लेकर के अभी से हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा इस प्रकृति में चमकता हुआ सितारा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। सारी शक्तियों को याद करते जाए, इन शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न हूं, बाबा सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियों का स्रोत, उस सर्वशक्तिमान से मैं आत्मा, उस आत्मा के अंदर शक्तियों की किरणों को लेकर आत्मा सभी शक्तियों से संपन्न बनती जा रही है। अपने और बाबा जैसे बाबा सभी गुणों से, सभी शक्तियों से संपन्न संपूर्ण है, वैसे मैं आत्मा भी बाप समान बनती जा रही हूं। यही मेरे बुद्धि में है, हर घड़ी अंतिम घड़ी मैं
मेरी अवस्था सदा एक रस अचल और सदा उड़ती कला वाली हो। मैं राज ऋषि हूं, मुझे बेहद का वैराग्य भी बनना है। और राजा भी बनना है। तो राज ऋषि इस स्वमान का अभ्यास जो बाबा ने दिया, बच्चे बेहद के वैराग्य बने, भले मुझे इस दुनिया में रहना है, दुनिया में रहते कर्म करते सबके साथ रहना है, सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है, लेकिन बाबा चाहता है कि बच्चे न्यारे और प्यारे बने। जो भी कार्य है पूरा हुआ, बस उससे डिटैच, मुझे ट्रस्टी होकर के इस दुनिया में रहना है, जो भी है बाबा का है। मुझे निमित्त बन करके इस कार्य को पूरा करना है। करण करावन हार बाबा, मेरा साथी है, सदा हल्का लाइट होकर के अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते जाना है। क्योंकि मुझे सिर्फ अपना परिवार नहीं लेकिन विश्व का कल्याण करना है। मैं विश्व कल्याण करेगी, इस अभ्यास से बाबा को साथ लेकर के बाबा की गोदी में रहना है और सब कुछ बाबा पर सौंप देना है। ओम शांति। मेरे बच्चे के इलाज के लिए मदद करें। नमस्ते। ओम शांति। तो इस प्रकार जैसे कि बाबा ने जो कुछ बातें बताई, थोड़ा सा हम चिंतन करके भी सो जाएंगे और कल अमृत वेले से लेकर थोड़ा थोड़ा इसको एक
कम से कम एक पॉइंट तो हम अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आप अपना जो अगर मुरली पढ़ने के बाद आप ही अपने चिंतन का पॉइंट अपने मन में डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन से पॉइंट पर चिंतन करना है, ठीक है ना। तो आज का कॉल हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, और आप मम्मा के क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे या तो मम्मा का बुक भी पढ़ रहे होंगे, तो मम्मा के बुक में से ही आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगे वो भी इस, क्योंकि अव्यक्त मास लहसा ही हमारा मास है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम ध्यान दें। तो शुक्रिया, और दीदी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैट विंडो पर देख रहे होंगे कितने सारे जन आपको मैसेज भेज रहे हैं, इसे आप ग्रुप में आते रहना और बीच बीच में हमें मार्गदर्शन करते रहना। थैंक यू सभी को, गुड नाइट, ओम शांति।